हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो अभी तक इस चैप्टर में आप पढ़ रहे थे कि आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए, कि आईयूपीएसी नेम जो है स्ट्रक्चर मतलब दिया होगा, स्ट्रक्चर दिया होगा तो आपको उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी दिए जाते हैं कि नाम दे दिया होगा आपको, आईयूपीएसी नेम दिया होगा और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है। अगर आपको अच्छे से, अगर आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी नेम, तो उससे भी ज़्यादा इजी है कि आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, तो उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो एक दो नंबर में ये भी आ जाते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो हैं 10 1-1 मार्क्स के आते हैं, उनमें से एक दो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं कि किसी का भी नाम दे दिया होगा और आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है ब्यूट 2-in-1-अल। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पेरेंट कौन है। तो पेरेंट यहाँ पे ब्यूट दिया हुआ है। तो ब्यूट का मालूम है हमें कि 4 कार्बन की चेन से ब्यूट बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 1, 2, 3, 4 4 कार्बन की चेन हमने बना ली, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं कि 2 पोजीशन पे ईन है और 1 पोजीशन पर अल है। अल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। तो हम 1 पोजीशन इधर भी मान सकते हैं या फिर इधर भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि इधर हमने 1 पोजीशन मान ली। तो हमने यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो CHO ग्रुप होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कार्बन होता है, तो इसलिए हमने कार्बन पहले से ही लिख रखा था, तो CHO लिख दिया। अब 2 पोजीशन पर ईन लगा हुआ है, तो जब 1 पोजीशन पर एल्डिहाइड है तो 2 पोजीशन पर ईन, यानी कि डबल बॉन्ड अब हमने लगा दिया। अब यहाँ पे जितने जितने कार्बन, क्योंकि आपको ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया था इस चैप्टर के, कि कार्बन जो है वो अपना टेट्रावेलेंट पूरा करता है। कार्बन मतलब अपने 4 बॉन्ड पूरे करता है। तो अब यहाँ पे जब बॉन्ड कम है तो वहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 1 बॉन्ड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 2 इधर और 1 इधर, 3 बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे इसके पास 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड हैं तो यहाँ 1 और हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है कि किस तरीके से नाम से हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड दिया हुआ है 2,4-dimethylbutanoic acid। तो ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे मेन बात जो है वो ध्यान रखनी है कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो ब्यूटेनोइक एसिड की होगी। तो यहाँ पे भी 4 कार्बन की चेन है, तो सबसे पहले 4 कार्बन की चेन बना लेनी है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे लगा हुआ है ओइक एसिड ग्रुप, ब्यूटेन जो है ब्यूटेन के साथ में ओइक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो ओइक एसिड ग्रुप जो है उसको लगा देते हैं हम, चाहे इधर लगा दे चाहे इधर लगा दे, बात एक ही है। तो क्योंकि ओइक एसिड जो है वो हमेशा प्रायोरिटी ग्रुप रहता है, यानी कि जहाँ से ओइक एसिड ग्रुप लगता है वहीं से नंबरिंग मानी जाती है। तो ये नंबर 1 पे लगा हुआ है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो यहाँ पे और 2,4 पोजीशन पे लगे हुए हैं डाई मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो 2 पोजीशन ये है, तो यहाँ पे हमने 1 मिथाइल ग्रुप लगा दिया। और 4 पोजीशन ये है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे हमने 1 मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो 2,4-dimethylbutanoic acid ये बन गया। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ हाइड्रोजन की कमी है वहाँ पे उतने हाइड्रोजन हम लगा देंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड पूरे किए हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी है तो CH2 लगा दिया। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन की कमी है तो यहाँ पे भी लगा दिया। यहाँ पे सिर्फ क्योंकि 3 बॉन्ड हैं तो 1 हाइड्रोजन की कमी है तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया। तो इस तरीके से इसका हम ड्रॉ कर लेंगे। थर्ड है हेक्सेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साऑल। तो सबसे पहले हेक्सेन, तो हेक्सेन जो है 6 कार्बन की चेन हो गई, तो 6 कार्बन की चेन हम बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 6 कार्बन की चेन बना ली। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब में ही क्या लगा हुआ है, हेक्साऑल लगा हुआ है, मतलब ऑल लगा हुआ है। ऑल का मतलब है एल्कोहल, एल्कोहल जो ग्रुप होता है उसको हम ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ सब में ही यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ है, तो सब में हम OH लगा देंगे।
ये OH लग गया। अब जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है वहाँ उस कार्बन के साथ लगा देंगे। यहाँ पे दो बॉन्ड है यानी कि दो हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ तीन बॉन्ड है यानी कि एक हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन की कमी है। यहाँ पे भी तीन बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे दो बॉन्ड है इसलिए दो हाइड्रोजन। तो ये नाम हो गया हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ऑल का। एन एन डाई इथाइल एमिनो ब्यूटेन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब एमिनो ब्यूटेन, जैसे कि यहाँ पे आपको मालूम है कि जो पेर एक मतलब आधा स्ट्रक्चर जो है वो पेरेंट एल्केन का लिखा जाता है और बाकी का जो स्ट्रक्चर जो अमीनो ग्रुप के साथ में जुड़ा रहता है उसको हम ग्रुप मानते हैं। तो यहाँ पे हमें सब, क्योंकि यहाँ पे टर्शरी एमीन है, ये टर्शरी एमीन का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि एन लिख लेना है एक तरफ, तो आपको ब्यूटेन की चेन बना देनी है। ब्यूटेन मतलब चार कार्बन की चेन, 1 2 3 4, और दो तरफ इथाइल। तो हमने यहाँ पे एक कार्बन ये लगा दिया, दो तरफ जो है वो हम लगा देंगे इथाइल ग्रुप। तो ये इथाइल ग्रुप लग गए हैं और ये ब्यूटेन जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो पेरेंट मानी जाती है। तो यहाँ पे अब जितने जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे CH2 CH2 CH2, ये हो गया CH3 CH2 CH3 CH3 CH2। तो ये नाम हो गया एन एन डाई इथाइल एमिनो ब्यूटेन का। इसके बाद है 2,4-डाईहाइड्रोक्सीपेंटेनल। तो डाईहाइड्रोक्सीपेंटेनल है तो सबसे पहले हमें पेंटेनल के लिए पांच कार्बन की चेन बना लेनी है, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि यहाँ पे अल लगा हुआ है यानी कि ये पहली पोजीशन पे लगा होगा, तो पहली पोजीशन हम इधर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं। तो हमने इधर मान लिए कि ये अल लगा हुआ है। तो ये 1 2 3 4 5 तो लगा हुआ है टू पोजीशन पर हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप, और लगा हुआ है फोर पोजीशन पर OH ग्रुप। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो 2,4-डाईहाइड्रोक्सी क्योंकि अल लगा हुआ है तो पेंटेनल, जहाँ जहाँ पे जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है वो लगा देंगे, CH3 CH CH2 CH। ये स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद है नेक्स्ट 2,2-डाईब्रोमो 4,4-डाईक्लोरोपेंटेनोइक एसिड। तो सबसे पहले पेंटेनोइक एसिड हम बना लेंगे, 1 2 3 4 5, और 5 में ही हम जो ये 5 कार्बन की चेन बना ली और हम इसको बना देंगे पेंटेनोइक एसिड। तो हम यहाँ पे OH ग्रुप लगा देंगे। अब जिधर से OH ग्रुप लगा हुआ है वही ग्रुप जो है वन नंबर पे, ये वन हो गया टू, तो टू नंबर ये वन है, ये हो गया टू। तो टू नंबर पे दिए हुए हैं दो ब्रोमो, तो एक ब्रोमो हमने यहाँ लगा दिया, एक ब्रोमो नीचे लगा दिया। तो और इसके बाद ये थ्री पोजीशन है, ये फोर पोजीशन है, ये फाइव पोजीशन है। उसके बाद टू पे दो ब्रोमो लग गए हैं, उसके बाद फोर पोजीशन पे आते हैं, फोर पोजीशन पे दो क्लोरो लगे हुए हैं, तो हमने दो क्लोरो लगा दिया। अब जितने इतने हाइड्रोजन की ज़रूरत है वो लगा देंगे CH3। यहाँ पे चारों बॉन्ड हैं इसलिए कोई लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे दो बॉन्ड हैं इसलिए यहाँ पे हम CH2 लगाएंगे, यहाँ पे भी चारों बॉन्ड हैं इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये बन गया स्ट्रक्चर इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट है 2,4-डाईऑक्सोहेक्सेनल। तो यहाँ पे ऑक्सो मतलब कीटोन ग्रुप है और हेक्सेनल मतलब हेक्सेन चेन के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें हेक्सेनल मतलब लॉन्गेस्ट चेन बना लेनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 कार्बन की चेन बन गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अल ग्रुप लगा दिया यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। तो वन पोजीशन हो गई है, टू हो गई है, थ्री हो गई है, फोर हो गई है, फाइव हो गई है और सिक्स हो गई है। तो लगा किस किस पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है, टू और फोर में। तो हमने टू में ऑक्सो लगा दिया और उसके बाद हमने फोर में ऑक्सो लगा दिया। अब जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन की जितनी ज़रूरत है वो लगा देंगे। तो CH3 CH2 यहाँ पे नहीं ज़रूरत है, CH2 यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया स्ट्रक्चर
2,4 डाई ऑक्सो हेक्सेनल का। इसके बाद है ब्यूट वन इन एंड थ्री आयन। तो ब्यूट वन इन थ्री आयन मतलब सीधा स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले चार कार्बन की चेन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4 ये बन गया। तो यहाँ पे मालूम है आपको कि इन जो है वो आयन से बड़ा होता है, यानी कि डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो हमने मान लिया कि वन पोजीशन ये है, तो वन पोजीशन अगर ये है तो ये 1, 2, 3 यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड। अब जहाँ जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है उतने लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 की कमी है तो CH2 लगा दिया, 1 की कमी है तो CH लगा दिया। यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे हैं और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन की कमी है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद है बेंजीन 1,3,5 ट्राई ऑल। तो बेंजीन 1,3,5 ट्राई ऑल का मतलब कि ये फिनॉल का नोमेनक्लेचर है। तो फिनॉल में पता है कि जब एक ही जगह OH लगा होता है तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं, और जब अगर एक से ज़्यादा जगह लगाते हैं तो फिर हम उसको बेंजीन के नाम के साथ जोड़ के लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और वन पोजीशन या टू पोजीशन हम कहीं पे भी मान सकते हैं। तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे लगा दिया हमने वन पोजीशन, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने पोजीशन मान ली। तो वन पोजीशन पे हमने लगा दिया, उसके बाद थ्री पोजीशन पे OH लगा हुआ है तो थ्री पोजीशन पे OH लगा दिया, उसके बाद फाइव पोजीशन पे OH लगा हुआ है तो हमने फाइव पोजीशन पे लगा दिया। तो ये नाम हो गया 1,3,5 ट्राई ऑल बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है 1,3,5 ट्राई ऑल। तो ये इस तरीके से इनका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद और भी आगे हैं तो समझने के लिए ध्यान रखिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो नाम से स्ट्रक्चर बनाना जो है काफ़ी इजी है, बना सकते हैं हम आराम से। ये इनके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। थोड़े से एग्जांपल और भी बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है एन इथाइल एन मिथाइल एमिनो ब्यूटेन। तो ये टर्शरी एमीन का स्ट्रक्चर है जिसमें एक तरफ तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ ब्यूटेन ग्रुप लगा हुआ है। तो टर्शरी मिथाइल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन। तो एक तरफ हमने ब्यूटेन बना देना है, ब्यूटेन का मतलब चार कार्बन की चेन। एक तरफ हमने बना देना है कि दो कार्बन की चेन क्योंकि इथाइल ग्रुप, और एक तरफ बना देना है एक कार्बन की चेन। अब जहाँ जहाँ जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है वो लिख देना है। तो CH2 और ये हो गया CH3। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है CH3 और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है तो CH3 CH2। ये हो गया एन इथाइल एन मिथाइल एमिनो ब्यूटेन। नेक्स्ट है 2-ब्रोमो-4-क्लोरो-हेक्सेन। बहुत इजी है। तो सबसे पहले हेक्सेन के लिए 6 कार्बन की चेन बना लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की चेन बना लेनी है। अब 2 पोजीशन और 4, यानी कि ब्रोमो जो है वो ABCD में वैसे भी पहले आता है, तो इसलिए जो है ब्रोमो को 2 नंबर दिया है और क्लोरो को 4 नंबर। अब यहाँ पे कोई अलग से ग्रुप नहीं दिया हुआ है इसलिए हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो हम इधर से भी मान सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और उधर से भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर से। तो 2 नंबर पे ब्रोमो लगा देंगे, उसके बाद 4 नंबर पे क्लोरो लगा देंगे। तो ये हो गया नाम 2-ब्रोमो-4-क्लोरो-हेक्सेन। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है तो CH2 CH CH2 CH3। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है 4-फॉर्माइल-ब्यूटेनोइक एसिड। तो 4-फॉर्माइल-ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब सबसे पहले हमें ब्यूटेनोइक एसिड बना देना है। तो हमने बना दिया यहाँ पे 4 कार्बन की चेन, हम इधर भी COOH बना सकते हैं, हम इधर भी COOH बना सकते हैं, जिधर भी बनाएंगे नंबर 1 उधर ही हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि हमने
COOH ब्यूटेनोइक ग्रुप जो है वो इधर लगा दिया, तो ये वन नंबर हो गया। तो ये 1, 2, 3, 4, तो इधर पे इस फोर नंबर पे लग जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। अब जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, यहाँ तो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन की ज़रूरत है तो लगा देंगे। ये हो गया 4-फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट है ब्यूटेन 1,4-डाईओइक एसिड। तो ब्यूटेन 1,4-डाईओइक एसिड का मतलब कि चार कार्बन की सबसे पहले तो चेन बनानी है हमें, 1, 2, 3, 4, 1,4-डाईओइक एसिड, यानी कि 1 पोजीशन पे भी ओइक एसिड लगा हुआ है और 4 पोजीशन पे भी, यानी कि दोनों ही किनारों पे लगा हुआ है ओइक एसिड। तो हमने इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है वो शो कर देंगे। तो ये हो गया 1,4-डाईओइक एसिड का स्ट्रक्चर। 14 है साइक्लोब्यूटेन 1,3-डाईऑल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइक्लोब्यूटेन बना लेना। साइक्लोब्यूटेन का मतलब चार कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये इस तरीके से हम शो करते हैं क्योंकि चार कार्बन की चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। हर कॉर्नर पे इसके कार्बन होते हैं। 1,3-डाईऑल, तो हम 1 कहीं भी मान सकते हैं, जैसे हमने 1 यहाँ पोजीशन मान ली, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। तो 1 पोजीशन पे ऑल लगा हुआ है और 3 पोजीशन पे ऑल लगा हुआ है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2-ओन। तो 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2-ओन का मतलब ये हो गया कि ब्यूटेन में जो है कीटोन ग्रुप भी लगा हुआ है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्यूटेन यानी कि चार कार्बन की चेन बना लेनी है, 1, 2, 3, 4, चार की चेन बना ली। अब हम किधर से भी 2 मान सकते हैं, तो हमने मान लिया कि इधर से नंबरिंग कर दी, 1, 2, 3, 4, तो 2 पे लगा हुआ है ओन यानी कि कीटोन ग्रुप, 3 पे लगा हुआ है ओ एच यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन की ज़रूरत है वो लगा देंगे, CH3, CH3, ये बन गया 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2-ओन। नेक्स्ट है 2-ऑक्सो प्रोपेनल। 2-ऑक्सो प्रोपेनल का मतलब सबसे पहले कि वो देख लेंगे हम कि जो पेरेंट क्या है, प्रोपेनल प्रोपेन। तो सबसे पहले हम 3 कार्बन की चेन बना लेंगे, तो हमने यहाँ पे 3 कार्बन की चेन बना ली। यहाँ पे लगा हुआ है जो ग्रुप दो लगे हुए हैं, एक तो ऑक्सो लगा हुआ है, एक अल लगा हुआ है यानी कि ये कीटोन, और एक एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो कीटोन छोटा ग्रुप है और अल बड़ा ग्रुप है, तो हम किधर से भी उसको मान सकते हैं नंबर 1 पे। तो हमने मान लिया यहाँ पे नंबर 1 में है, तो ये 1, 2, 3, तो 2 पोजीशन पे लग गया कीटोन ग्रुप, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2-ऑक्सो प्रोपेनल। उसके बाद है प्रोप 1 इनॉल। प्रोप 1 इनॉल का मतलब कि पहले तो 3 कार्बन की हम चेन बना लेंगे, ठीक है, 1 इनॉल यानी कि पहली पोजीशन पे OH लगा हुआ है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे आप देख लें कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, CH3, CH, CH, तो ये बन गया प्रोप 1 इनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले कि हमें साइक्लो हेक्सेन बना लिया हमने। ये साइक्लोहेक्सेन का मतलब कि 6 कॉर्नर का साइक्लिक स्ट्रक्चर, हर कॉर्नर पे कार्बन होते हैं, और यहाँ पे हम किसी भी कॉर्नर पे हम इन जो 1, 2, 3, 4 मतलब जितने भी कॉर्नर हैं इनमें से हम किसी में भी OH लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। जिस कॉर्नर पे लग जाएगा वो उसी कॉर्नर को हम 1 से नंबरिंग करना शुरू कर देंगे, अगर इसके अलावा कोई और भी ग्रुप दिया होता तो। तो ये थे स्ट्रक्चर कि किस तरीके से हम नाम से स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, और ये काफ़ी इजी पढ़ते हैं, अगर आपको नोमेनक्लेचर करना आता है तो आपको ये काफ़ी इजी पढ़ेंगे क्योंकि नाम से स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी इजी है, तो ये आराम से बन सकते हैं और ये 1-2 नंबर में ज़रूर आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सारे रूल्स। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।